नमस्कार, जय हिंद मित्रों, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरा अपने लक्ष्य चैनल पर। मित्र, आज हम लोग देखेंगे प्रमुख राजवंश संस्थापक और उनकी राजधानियाँ। तो सबसे पहले बात करते हैं हम हर एक वंश की। तो हर एक वंश के जो संस्थापक थे कौन थे, हर एक वंश के जो संस्थापक थे वह कौन थे। तो हर एक वंश के जो संस्थापक थे वह थे बिंबसार। हर एक वंश के संस्थापक कौन थे, हर एक वंश के संस्थापक थे बिंबसार। और राजधानी क्या थी, राजगृह। राजधानी क्या थी, राजगृह। इसके बाद दूसरे की बात करें शिशुनाग वंश की। ये सारी चीज़ें आपको याद करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, तो इसी वजह से इनको देखा जा रहा है। शिशुनाग वंश, अगर हम शिशुनाग वंश की बात करें तो इसके संस्थापक कौन थे, तो इसके जो संस्थापक थे शिशुनाग थे, शिशुनाग थे। और इसके बाद राजधानी क्या थी, तो राजधानी थी वैशाली। राजधानी क्या थी, राजधानी थी वैशाली। नेक्स्ट देखते हैं तीसरा नंबर पे। तीसरे नंबर पे है कि नंद वंश का जो संस्थापक थे कौन थे। तो नंद वंश के संस्थापक कौन थे, तो नंद वंश के संस्थापक थे महापद्मनंद। और इनकी जो राजधानी थी, राजधानी क्या थी, पाटलिपुत्र थी। राजधानी क्या थी, पाटलिपुत्र। राजधानी क्या थी, पाटलिपुत्र थी। इसके बाद नेक्स्ट है जो है नंबर फोर, मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे। मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे, तो मौर्य वंश की अगर बात करें तो मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य। और जो है राजधानी क्या थी, मौर्य वंश की जो राजधानी क्या थी, तो यही पाटलिपुत्र ही थी। पाटलिपुत्र ही क्या थी, राजधानी थी। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है शुंग वंश देख लेते हैं। मौर्य वंश के बाद कौन सा वंश, शुंग वंश की बात करें तो शुंग वंश के संस्थापक कौन थे, तो शुंग वंश के संस्थापक थे पुष्यमित्र शुंग। कौन थे, पुष्यमित्र शुंग। शुंग वंश के संस्थापक कौन थे, पुष्यमित्र शुंग। और राजधानी क्या थी, पाटलिपुत्र। राजधानी क्या थी, पाटलिपुत्र। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट है छः नंबर। टोटल हम 28 जो है 28 राजवंश देखेंगे, ठीक है। तो 28 राजवंश को देखेंगे और उनके जितने भी हो रहे हैं। इसके बाद सिक्स नंबर की बात करें तो कर्ण वंश के संस्थापक कौन थे। कर्ण वंश के संस्थापक थे वासुदेव। कौन थे, वासुदेव। कर्ण वंश के संस्थापक कौन थे, वासुदेव। और राजधानी क्या थी, तो राजधानी यही थी क्या, पाटलिपुत्र। राजधानी क्या थी, पाटलिपुत्र। इसके बाद नेक्स्ट नंबर देख लेते हैं, सातवाहन वंश के जो संस्थापक थे वो थे सिमुक। सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे, सिमुक। और इनकी राजधानी क्या थी, राजधानी का नाम था प्रतिष्ठान। क्या नाम था, प्रतिष्ठान नाम था। नेक्स्ट देख लेते हैं, इसके बाद है कुषाण वंश के संस्थापक कौन थे, तो थे कुजल कड़फिसेस थे। कौन थे, कुजल कड़फिसेस। और इनकी जो है राजधानी क्या थी, इनकी राजधानी थी पुरुषपुर। इसके बाद नेक्स्ट है नाइन नंबर देखते हैं। अगर नाइन नंबर की बात करें तो कुषाण वंश के बाद नाइन वंश की बात करें गुप्त वंश के संस्थापक थे श्री गुप्त। और श्रीगुप्त और इन्होंने इनकी राजधानी क्या थी, तो इनकी राजधानी थी पाटलिपुत्र राजधानी थी। दसवां नंबर देख लेते हैं, दस नंबर पे क्या था, दस नंबर की बात करें
तो 10 नंबर में कौन सा वंश आता है? तो 10 नंबर में आता है वाकाटस, वाकाटस वंश, वाकाटस वंश। तो वाकाटस वंश के संस्थापक कौन थे? तो वाकाटस वंश के संस्थापक थे विंध्य शक्ति। कौन थे? विंध्य शक्ति। वाकाटस वंश के संस्थापक कौन थे? विंध्य शक्ति थे। और इनकी राजधानी क्या थी? इनका राजधानी कोई नहीं थी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है 11th नंबर। 11th नंबर में क्या है? हूण वंश। हूण वंश, हूण वंश के संस्थापक कौन थे? हूण वंश के संस्थापक, तो हूण वंश के संस्थापक थे तोरमाण। हूण वंश के संस्थापक कौन थे? तोरमाण। और इसकी राजधानी क्या थी? सियालकोट। राजधानी क्या थी? राजधानी थी सियालकोट। चलो इसको देख लेते हैं, फिर से करना पड़ेगा। तो जो है हम लोग, हाँ फिर से देख लेते हैं। हूण वंश 11 नंबर चल रहे थे क्या? हूण वंश, हूण वंश। तो हूण वंश के जो संस्थापक थे कौन थे? तो हूण वंश के संस्थापक कौन थे? हूण वंश के संस्थापक, अभी हमने आपको बताया हूण वंश के जो संस्थापक थे कौन थे, कलर चेंज कर लेते हैं। हूण वंश के संस्थापक कौन थे? तोर माड़। कौन थे? तोर माड़। और इनकी जो है राजधानी क्या थी? राजधानी बताए सियाल कोट। राजधानी कौन सी थी? सियाल कोट। इसके बाद नेक्स्ट है 12 नंबर, देखें तो 12 नंबर में जो है वर्धन वंश। वर्धन वंश के संस्थापक कौन थे? वर्धन वंश। तो वर्धन वंश के संस्थापक कौन थे? तो उसके संस्थापक थे पुष्य भूति। पुष्य भूति, पुष्य भूति क्या थे? इसके संस्थापक थे। और बात करें राजधानी क्या थी, तो राजधानी थी थानेश्वर, ठीक है। थानेश्वर जो कहाँ है? कन्नौज। थानेश्वर कन्नौज। इसके बाद 13 नंबर देख लेते हैं। 13 नंबर में क्या है? चोल वंश। चोल वंश के संस्थापक कौन थे? चोल वंश, चोल वंश के संस्थापक कौन थे? तो विजयालय। कौन थे? विजयालय। चोल वंश के संस्थापक कौन थे? विजयालय थे। और यह कहाँ के, और इनकी राजधानी की बात करें तो राजधानी क्या थी? तंजौर। राजधानी कौन सी थी? तंजौर। नेक्स्ट बात करते हैं 14 नंबर की। अब इसके बाद हम चोल वंश देख लिए, देख लेते हैं पांड्य वंश। पांड्य वंश, पांड्य वंश की बात करें तो कौन से संस्थापक थे? तो नेडियान। नेडियान, नेडियान क्या थे? इसके संस्थापक थे। और राजधानी क्या थी? मदुरै। राजधानी क्या थी? मदुरै राजधानी थी। नेक्स्ट है 15 नंबर। 15 नंबर को देख लेते हैं पल्लव वंश। पल्लव वंश, पल्लव वंश के संस्थापक कौन थे? पल्लव वंश के संस्थापक थे सिंह वर्मन चतुर्थ। सिंह वर्मन चतुर्थ, सिंह वंश के संस्थापक कौन थे? सिंह वर्मन चतुर्थ। और कहाँ, इनकी राजधानी क्या थी? कांचीपुरम। कांचीपुरम इनकी क्या थी? राजधानी थी। 16 नंबर देख लेते हैं राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट वंश, राष्ट्रकूट वंश के जो संस्थापक थे कौन थे? दंती दुर्ग। राष्ट्रकूट के कौन थे? दंती दुर्ग। राष्ट्रकूट वंश के कौन थे? दंती दुर्ग। और ये इनका क्या था? मान्यखेट। इनकी राजधानी क्या थी? मान्यखेट राजधानी थी। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है 17 में क्या है? चालुक्य वंश की। चालुक्य वंश के संस्थापक कौन थे? तो चालुक्य वंश के अगर संस्थापक की बात करें तो कौन थे? तैलप, तैलप सेकेंड, तैलप द्वितीय। और इनकी राजधानी भी क्या थी? मान्यखेट। मान्यखेट, और या फिर कल्याण, कुछ समय के बाद क्या हो गई थी? कल्याण। इसके बाद 18 नंबर देख लेते हैं। 18 नंबर में क्या है? 18 नंबर की अगर बात करें तो 18 नंबर होय सेल वंश। 18 में क्या है? होय सल वंश। होय सल वंश,
इसके संस्थापक कौन थे? तो होयसल वंश के थे विष्णुवर्धन और राजधानी थी द्वार समुद्र। राजधानी क्या थी? द्वार समुद्र थी। इसके बाद 19 नंबर देख लेते हैं, यादव वंश के कौन थे? यादव वंश के थे भिल्लव पंचम, ठीक है, या भिल्लव पांचवें, ठीक। और इनकी राजधानी क्या थी? तो इनकी राजधानी थी देवगिरी। क्या थी? इनकी राजधानी थी। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है इसके बाद 20 नंबर में देख लेते हैं। अब यादव वंश के बाद बात करते हैं कदम वंश के संस्थापक कौन थे? मयूर शर्मन। और इनकी राजधानी थी वनवासी। राजधानी क्या थी वनवासी, ठीक है। 21 की बात करते हैं, 21 में अब आता है काकतीय वंश। इसके संस्थापक कौन थे? तो इसके थे बीटा प्रथम काकतीय वंश के, ठीक है। और राजधानी क्या थी? अम्बकोंड, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट की बात करते हैं तो गंग वंश के संस्थापक कौन थे? ब्रजहस्त पंचम। और इनकी अगर राजधानी की बात करें तो राजधानी थी कोलाल व तलकाड, ठीक है, ये इनकी राजधानी थी। नेक्स्ट की बात करते हैं 23 नंबर, पाल वंश की बात करते हैं। तो पाल वंश की बात करें तो पाल वंश में कौन थे? इनके संस्थापक थे, पाल वंश के संस्थापक कौन थे? गोपाल। और इनकी राजधानी क्या थी? मुंगेर। नेक्स्ट है 26 नंबर, 26 नंबर में है सेन वंश के संस्थापक कौन थे? सामंत सेन। और ये कहाँ के थे? लखनौती। इनकी जो राजधानी थी क्या थी? लखनौती इनकी राजधानी थी। नेक्स्ट देख लेते हैं 27 नंबर, सेन वंश के बाद कारकोट वंश। देखिए यहाँ 23 के बाद 24 होगा, ये 5th है, ठीक। कारकोट वंश इसके संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक थे दुर्लभ वर्धन, ठीक है, राजधानी को नहीं थी। इसके बाद नेक्स्ट है उत्पल वंश के थे अवंती वर्मन, ठीक है। तो ये थे आज के हमारे इस वीडियो में, तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो पे। आज जो हमने पढ़ा वह क्या पढ़ा, एक बार थोड़ी हल्की नज़र में डालते हैं। राजधानियाँ। तो कैसी लगी आपको ये, कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं। और अगर आपने चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ज़रूर कर लें और प्रयत्न करिएगा शेयर करने का, ठीक है, शेयर ज़रूर करिएगा। जय हिंद।